गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें निकालना है। साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। वैल्यू हमने आप लोगों को प्रूव करके बता दिया, और एक टेबल में सब वैल्यू कैसे याद किया जाता है, सब याद करने का ट्रिक और उसको फिल करने का ट्रिक सब हमने आपको बताया हुआ है। तो अगर आपको वैल्यू याद है, तो नहीं भी याद है तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आप यहाँ पर √3/2 लिखिए, उसके बाद यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू कर दीजिए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो यहाँ पर भी √3/2 लिख लीजिए। उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, हाफ लिख लीजिए, इंटू cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ लिखिए। अब इसके बाद देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ प्लस 1 और 2 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया। एलसीएम हो जाएगा आपका 4, यानी 3 + 1 आएगा, यानी 4/4, 4 से 4 कट गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो आप इसको कॉपी कीजिए, आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसका मतलब होता है कि tan 45 पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर यहाँ लगाया जाता है, ये स्क्वायर यहाँ लगाते हैं। तो ठीक है, आप tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू आपको याद है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर कर देंगे। प्लस अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ √3/2 तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर स्क्वायर भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर √3/2 का पूरे का कर देंगे स्क्वायर। तो आप देखो तो दोनों क्या है, सेम ही तो है। तो ये हेल्थी लाइन ही जो मतलब कट कर दी, 0 हो गया क्योंकि एक प्लस है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो ये 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका मतलब 2। ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो गया 0 हो गया, तो उसका काम खत्म हो तो 0 आया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या करना है, इसको इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या मिला? 0 मिला, और उसके बाद इसको सॉल्व किया तो 2 आ गया। अंडर √3/2, इसलिए sec 30 डिग्री का इसी को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 2/√3 और प्लस, और कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो गया। इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा, इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे upon 1 करके ऐसे मिलेंगे तो ये आएगा √3 हो गया, और आएगा 2+√3 इस तरीके से आएगा। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 × √3, और 2 ले लेते हैं कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1+√3 आ जाएगा, इतना ऐसे इतना आया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, एक मिनट इसको ये साफ करें फिर बताते हैं आपको। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। 1/√2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √2, और यहाँ पर √2 × √2 इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाइनोमियल सेट से 1+√3, तो बाइनोमियल सेट रहता है जिसे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 है यहाँ पर, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 1-√3, और इधर जो है 2 पहले से है, और 1+√3
तो इसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डेसिमलाइज करने के लिए बाइनोमियल सर्च थी, इसलिए हमने क्या किया, 1 - √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो ये तो हो गया रूट ऑफ टू, और यहाँ से टू फ्री हुआ इन टू, इसको ऐसे रहने देते हैं रूट थ्री और 1 - √3, अभी बाद में जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो ये तो टू हो गया, अब देखिए ए प्लस बी टू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 - √3 का स्क्वायर, 3 फ्री हो जाएगा। अब इस तरीके से ये हमें मिला रूट ऑफ 2/2। ऐसा करते हैं, अब इसको कर देते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिलेगा रूट ऑफ 3, और माइनस यहाँ √3, √3 फ्री हुआ, फिर क्या आया, 3 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा, और 1 - √3 का मतलब इसको सॉल्व करने पर -2 आएगा, तो 2 2 का कितना हो गया 4, -4 आएगा। ये इस जगह पर हमें इसको सॉल्व करने पर -4 मिलेगा, तो हम यहाँ पर इसको -4 लिख लेते हैं, ठीक है, -4 लिख लिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√2 आएगा, और नीचे कितना है, नीचे है 4 - 8 आएगा। अब क्या करना है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपल बना लेते हैं, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए नीचे आपको दिखेगा, हाँ ठीक है, तो माइनस से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा 3√2 - √6/4, और ये आएगा 8, ये हो गया आंसर। तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट।